महात्मा गांधी आधुनिक युग के प्रसिद्ध समाज सुधारक क्रांतिकारी नेता थे। ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। इनका मानना था मनुष्य का समस्या किस तरह से निदान किया जाए। ये भारतवर्ष में सन 1920 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक काफ़ी संघर्ष किया और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य को भारत छोड़ना पड़ा। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को काठियावाड़ के पोरबंदर स्थान पर हुआ। इनके पिता राजकोट के दीवान थे और माता धार्मिक प्रवृत्ति की थीं, जिसका प्रभाव महात्मा गांधी पर काफ़ी पड़ा। इन्होंने एक बार कहा कि मैं भले ही राजनीतिक चोला पहन रखा हूँ, लेकिन मैं हृदय से धार्मिक प्रवृत्ति का हूँ। इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और सन 1920 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक संघर्ष किया और ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंका। इसलिए इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ये सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया और 16 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया। 17 वर्ष में ये मैट्रिक परीक्षा पास की और 1888 ईस्वी में ये कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ पर इंग्लैंड का जीवन इन्होंने अपनाया और धीरे धीरे फिर भारतीय वेशभूषा में आ गए। एक बार की बात है, इन्हें एक मुकदमा में अफ्रीका जाना पड़ा। अफ्रीका में काला गोरा की बातें अधिक होती थी और इस तरह से अफ्रीका में इन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। अफ्रीका में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठने का अधिकार नहीं था। एक बार ये प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठे तो इनका सामान फेंक दिया गया। फिर बाद में ये भारत आए और भारतीय परिवेश में रहना शुरू कर भारत में एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उभर कर आए और इस तरह से समाज सुधारक बनकर भारत को सफलताएं दिलाई। धन्यवाद।